एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन छवि ने पूछा था कैसे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक बार डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग 6.4 आगे का अपना कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे। 6.4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करना है, बहुत सारे मेथड है। आप चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इससे करें, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको लास्ट में करें, या इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई इसको लास्ट में। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है तो अलग अलग मेथड है, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ देखें आप लोग। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, एक टर्म इसका लेंगे जो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको लिया हमने तो कितना हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, 5x में। ठीक है, तो 5x स्क्वायर, फिर इस x का 6 में कर रहे हैं तो कितना हो गया, माइनस का साइन, माइनस 6x। ठीक है, दूसरा है माइनस 2, अभी हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस 2 का करेंगे तो 5 2 10, माइनस 10x, फिर इसमें करेंगे तो 6 2 12, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया ये प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। दूसरा हमारा है 5 माइनस x, एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे या इसका इसमें कर लें, हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस 12। ठीक है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई 5 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इस 5 का मल्टीप्लाई चारों में करेंगे तो कितना हो गया, 25x स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस 30x, फिर करेंगे तो माइनस 50x प्लस 60, फिर x का करेंगे तो माइनस 5x³ प्लस 6x² फिर x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 10x² और एक बचा क्या, माइनस 12x। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करना है हमें, अब हमें जो क्या है हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको आगे लिखेंगे, माइनस 5x³। ठीक है, x² को एक साथ करते हैं तो प्लस 25x² प्लस 10x², ठीक है, उसके बाद में प्लस 6x², तीन जगह था। ठीक है, साइन के साथ वो अपना, फिर x वाला टर्म लिखते हैं माइनस 30x माइनस 50x माइनस 12x, अब लास्ट में क्या बचा हमारा, एक ये बचा है प्लस 60। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस 5x³ एक ही है, माइनस 5x³। ठीक है, अभी कितना हो गया, 35 और 35 और 6 कितना हो गया हमारा, 41। ठीक है, प्लस 41x² ठीक है, आगे देखते हैं इसको करते हैं, 80 और कितना हो जाएगा ये हमारा, 80 और ये 92 माइनस 92x प्लस 60 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन बताएं, बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं, चलिए सी पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन सी। सी पार्ट में क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने, आप लोग भी देखेंगे इसमें, इसमें ये प्लस में है, यहाँ पे ये नंबर हमारा अलग है, ना कि ये ब्रैकेट में भी नहीं है ना मल्टीप्लाई में, तो इसको भी मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, ये बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा ऐड करेंगे इसमें। इसका मल्टीप्लाई 3a का करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9a² फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3ab, ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी, करेंगे इसमें तो प्लस 3ab² प्लस, इसमें करेंगे तो प्लस 3ab प्लस b² प्लस bq। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे, कहीं पे भी प्लस माइनस प्लस का ही साइन है बस यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट हटाने से। हम a² वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं तो a² प्लस
नाइन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का टर्म देख लेते हैं तो बी स्क्वायर एक ही है यहाँ पे, ये है ठीक है, बी स्क्वायर बी क्यूब भी हमें एक ही दिख रहा है यहाँ पे, थ्री ए बी हमें दो दिख रहा है, थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी, एक ए बी स्क्वायर भी है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, टेन ए स्क्वायर यहाँ माइनस का साइन था, ठीक है, माइनस का तो फिर सारे क्या हो जाएंगे हमारे निगेटिव हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार क्या करते हैं इसको करेंगे, देख लेते हैं फिर से देख लो, तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस नाइन ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमने ब्रैकेट हटा दिया यहाँ पे। उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, थ्री ए बी है ए स्क्वायर, और कहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर और नाइन ए स्क्वायर कितना हो गया टेन ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी एक साथ में लिख लेंगे, फिर है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, दोनों एक जैसा है प्लस माइनस में है या माइनस, तो टेन ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई जब किया तो ये सारे निगेटिव में हो गए, माइनस में हो गए, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.4 देखते हैं, देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग, ठीक है, इसको एरर है इसको करेक्ट करके हमें लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 4x माइनस फाइव, तो इसको हम करेक्ट करेंगे तो हम इसका एक टर्म लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो 4x माइनस फाइव है ये 4 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 20, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लोग लेकर चलते हैं बी पार्ट, अगर हम ले इसका एक कॉलम बना लेंगे इसमें, एक एरर का और एक करेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एरर है इसे हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो दूसरा दिया है x प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एरर है, तो इसमें देखेंगे x प्लस क्या है, एक टर्म एक तरफ का ले चलते हैं हम लोग, x प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री और टू फाइव एक्स, फाइव एक्स और एक एक्स ये है कितना हो गया सिक्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग ले लें इसका पार्ट नंबर k ले लेते हैं, तो k में हमारा क्या हो जाएगा, नाइन एक्स अपॉन नाइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइन एक्स अपॉन नाइन एक्स, तो ये नाइन एक्स बन जाए नाइन एक्स और नाइन एक्स बन जाए नाइन एक्स, नाइन एक्स से कट जाएगा तो इसका आंसर वन आएगा ना कि ज़ीरो, तो ये एरर ही था। नेक्स्ट इसमें अगर लेकर चलते हैं हम लोग, तो हम लोग इसका एल पार्ट लेंगे, तो एल पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइव एक्स है, फाइव एक्स इक्वल्स टू फाइव प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइव प्लस एक्स है ये रॉन्ग है हमारा, ये होना चाहिए फाइव इंटू एक्स, या हम ये वाला टर्म लेकर चलेंगे तो इसको हम फाइव प्लस एक्स लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से करना चाहिए। इसमें से कोई एक पार्ट और ले लेते हैं हम लोग, कोई भी हम लोग जे पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे जी, ठीक है, इसमें है जेड प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका कोई भी एक टर्म ये वाला तक ले लेते हैं, तो जेड प्लस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला क्या है, जेड स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सब लोगों ने पढ़ा होगा, वही फार्मूला ऑपरेट करते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स फाइव का स्क्वायर कितना 25 प्लस टू ए बी मतलब कि 10z, ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हमारा क्या था, ये रॉन्ग था, एरर था इसमें, तो इसको हमने करेक्ट करके लिख दिया है। और इसमें कोई भी पार्ट ले लेते हैं हम लोग, अगर लेते हैं
एफ लेते हैं, एफ ले लेते हैं। एफ पार्ट में क्या दिया है, इसमें 3x प्लस 15 अपॉन 3x इक्वल टू 15। ठीक है, देखना ये करेक्ट है कि नहीं, तो इसको भी इस तरीके से करेंगे, 3x प्लस 15 अपॉन 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 3x प्लस 15 अपॉन 3x। ठीक है, ये सॉल्व किया हम कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया इक्वल टू 3x से 3x कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 1 जा और 3 5 जा, तो कितना हो गया 5 अपॉन एक्स, ये इसका आंसर। ठीक, इसी तरीके से इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ पार्ट्स रह गए हैं अभी आप लोग के, तो कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, जो नहीं आएगा क्वेश्चन वो पूछेंगे आगे। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स जो हैं सब लोग क्वेश्चन पूछते रहें, जो क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज धीरे धीरे सॉल्व करते रहें, जो क्वेश्चन फंसेगा उसको सब लोग पूछ लिया करें, कुछ बच्चे पूछते हैं और कुछ लोग तो पूछते ही नहीं है ना, या तो उनको कुछ नहीं आता होगा या तो उन्हें सब कुछ आता होगा, यही हो सकता है। तो सभी लोग क्या करें, क्वेश्चन जो भी आप लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें, ये नहीं कि जितने मैंने कॉपी में आप लोग को करवा दिया है करवा देती हूँ बस उतने ही नोट कर लिया, इसके अलावा भी क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें, जो मैं कराऊँ उससे समझेंगे और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में भी दिए हैं उनको भी सॉल्व करके अगर देखेंगे जब, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 6.4 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 6.2 का एक क्वेश्चन बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और सी पार्ट बताया है और बी और डी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,